गए रखियो सलीपे इस विश्वास के साथ हम चलते हैं भगवान राम के दरबार में। देखिए इस कलयुग में राम का नाम ही आधार है। अगर इस कलयुग के भाव से चलना है तो प्रभु श्री राम का नाम ही सबसे अच्छा मार्ग बताया गया है। और भगवान के नाम की महत्वता हम आपसे शेयर करेंगे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। जिस चीज को स्वयं भगवान राम नहीं कर पाए उस काम को उनके नाम के द्वारा कर दिया गया। आइए सुनते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, पंक्ति में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से उसकी लाश को अगर बचाया तो इस नाम नहीं बताया। नाम मात्र के स्मरण से लोगों को यही नहीं समझ में आया कि नारी पीछे सारी है या सारी पीछे नारी है या नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। यह नाम की महिमा थी। इसलिए नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदना। Hey!
जाने लगा और वह पानी में तैरने लगा। इस बात को देख के रावण के सेना में खलबली मच गई कि हे प्रभु, वो तो राम के नाम से पत्थर तैर रहा है, वो कितना बलवान है। रावण ने देखा कि उसके सेना में भय सब व्याप्त हो रहा है, तो उसने फटाक से बोला कि पत्थर तो मेरे नाम से भी तैर सकता है। देखिए, राम के नाम से पत्थर तैरा था यह दुनिया जानती है, मैं आपको बताऊंगा कि रावण के नाम से भी पत्थर तैरा था। सारी सेना इकट्ठी हो गई, समुद्र के किनारे पहुंच गए, पत्थर मंगाया गया, उस पे रावण लिख दिया गया और उसको समुद्र में फेंक दिया गया। वह पत्थर भी तैरने लगा। ध्यान देंगे, रावण लिखा हुआ पत्थर भी समुद्र में तैरने लगा। साथ में मंदोदरी थी, वहां तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। रावण के दल में खुशी का माहौल था, लेकिन मंदोदरी जब महल में गए तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, हे प्राणनाथ, मैं जानती हूं कि आपके नाम से पत्थर नहीं तैरेगा, आपके नाम से पत्थर तैरेगा नहीं प्रभु, ये मुझे पता है, ये मैंने अपने सतीत्व के बल से पता लगाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बताइए कि वो पत्थर कैसे तैरा है। रावण हंसने लगा, बोला, बिल्कुल सही आप बोल रही है, उस पत्थर के नाम रावण जरूर लिखा था, लेकिन मैंने उसको बोला था, मैंने उसको बोला था कि तू तैर जा, तेरे को राम की कसम है। ये उसी नाम का महत्व है। जब उस राम के नाम से पत्थर तैर सकता है जो निर्जीव है, ना तो बोल सकता है, ना तो चल सकता है, ना तो कह सकता है, जब ऐसी वस्तु का भी राम के नाम से उद्धार हो सकता है, तो क्या हम राम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसलिए राम के नाम का स्मरण करें। हो अभिमानी तू भी जाएगा किसी के मुख नहीं राम, हो अभिमानी मर जाएगा किसी के मुख नहीं राम, हो अभिमानी तू भी जाएगा किसी के मुख नहीं राम, हो अभिमानी मर जाएगा किसी के मुख नहीं राम। We'll be right back.
यही आएगा तेरे काम राम से Thank you.